हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। सो आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल है बिकॉज़ मैंने न्यू फ़ोन लिया है। सो अभी मुझे पार्सल रिसीव हो चुका है, अभी मैं अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ और आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कौन सा फ़ोन लिया है। इसके ऊपर ये वाला कवर था जो मैंने पहले उतार दिया है। और एक और बात कि इससे पहले जो मेरे पास फ़ोन था उसमें सिर्फ यही दिक्कत थी कि वो 64 GB का था, जो कि मैंने पूरा फुल कर दिया था। पहली दिक्कत ये थी और दूसरी दिक्कत ये थी कि जो मेरे पास फ़ोन था वो ऑनर का फ़ोन था और इसका एट ए टाइम ना तो बैक कवर मिलता था और ना ही ग्लास कवर। तो ये थोड़ा सा इशू था ऑनर्स के फ़ोन के लिए। सो फाइनली 3 साल बाद मैं अपना फ़ोन चेंज करने जा रही हूँ और अभी मैं अनबॉक्सिंग करूँगी और आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने कौन सा फ़ोन लिया है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पता है इसके साथ चार्जर नहीं मिलता है। सो मैंने इसे भी पहले ही ऑर्डर कर लिया था साथ में ही और मुझे ये भी साथ में रिसीव हुआ है, बट इसके चार्जेस अलग से लगे हैं। सो ये है आईफोन 12, ब्लू कलर लिया मैंने। इसमें अवेलेबल ही कलर दो थे, ब्लू था और सेकंड वाइट था। सो वाइट तो मैं लेने वाली नहीं थी, सो मैंने यही कलर लिया है। ये मैंने 256 GB में ऑर्डर किया है बिकॉज़ जो मेरे पास फ़ोन है वो 64 GB का है, जो कि मैंने पूरे तरीके से फुल कर दिया है। इसके अलावा आधे से ज़्यादा डेटा मैंने पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र किया है, फिर भी फ़ोन खाली नहीं होता। जैसे खाली होता मैं फिर से वीडियोस वगैरह बनाती हूँ और फ़ोन फिर से फुल हो जाता है। ब्लॉग भी मैं इसीलिए शूट नहीं करती थी क्योंकि जो ब्लॉग्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, वहाँ छोटी छोटी बहुत सारी क्लिप्स होती हैं। बेशक आपको ब्लॉग 7 से 8 मिनट का मिलता है, बट 1 से 2 घंटे की वीडियो होती है जिसे एडिट करके अपलोड करते हैं। सो उसके लिए मेरा फ़ोन बिल्कुल भी रेडी नहीं था, उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता था, इसलिए मैंने 256 GB ऑर्डर किया। अभी इस फ़ोन से मैं सारी वीडियोज़ शूट किया करूँगी और स्पेशली ब्लॉग। फाइनली मैं 3 साल बाद अपना फ़ोन चेंज करने जा रही हूँ। लाइट भी नहीं है फिर भी मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि जैसे ही मुझे पार्सल रिसीव हुआ मैंने सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग की। पता नहीं कि आपको वीडियो किस तरीके से मिलेगी, लाइट नहीं है, मैंने फ्लैशलाइट ऑन करके वीडियो शूट कर रही हूँ, सो एडजस्ट कर लेना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक स्पेशल मैसेज सभी के लिए जो कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई होप कि जल्दी से जल्दी आपका भी एग्ज़ाम क्रैक हो और आप भी अपने ड्रीम्स पूरे करो। जो भी चीज़ें आपने सोची हो कि हमें ये लेना है या वो लेना है, वो सारे के सारे ड्रीम्स आपके पूरे हों। मेरी बेस्ट विशेज़ आप सबके साथ हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।